हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे विंटर्स की जान ड्राई फ्रूट्स एंड सौंट के लड्डू। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, स्पेशली ये न्यूली मॉम और जिनको जॉइंट में पेन्स रहता है उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो इनको बनाने के लिए कढ़ाई गरम की है मैंने, टोटल 250 ग्राम घी लिया है, उसमें से थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट तलने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने 100 ग्राम बादाम लिए हैं, 50 ग्राम अखरोट लिए हैं और 50 ग्राम में काजू ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी घी में हम मखाने तलेंगे। ये 40 ग्राम के करीब मखाने हैं क्योंकि मखाने सारा घी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमने थोड़ा सा घी मैंने इसमें से निकाल के फिर मखानों को रोस्ट किया है। मखाने जब रोस्ट हो जाएंगे तो फ्लेम एकदम लो पर ही, ये मैं सनफ्लावर सीड्स ले रही हूँ, ये 20-30 ग्राम है, और उतना ही मैं चिरौंजी ले रही हूँ। जो भी सीड्स आपके पास हैं वो सीड्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, अभी मेरे पास यही अवेलेबल थे। अब इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, 2 मिनट में ही रोस्ट हो जाते हैं, देखिए हो गए। और अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है और इसको हम बंद गैस पर ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब कढ़ाई में मैंने अपना जो ड्राई फ्रूट्स तलने के बाद घी बचा था वो, और बाकी का घी जो मेरा बचा था 250 ग्राम में से, वो सारा घी मैंने डाल दिया, 1-2 स्पून बचा लिए बस। और अब इसमें मैं डालूंगी 400 ग्राम आटा और इसको हम लो गैस पे अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसको रोस्ट करने में करीब आपको 20 मिनट्स लग जाएंगे, इसे लो फ्लेम पर ही करिएगा, अदरवाइज आटा थोड़ा जला सा हो जाएगा और लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इधर ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं तो इनको मिक्सी के पॉट में डाल के मैं इनको फाइन पीस लूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जब बड़े बड़े आते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं और ये इतने हेल्दी होते हैं कि बच्चों को भी खिलाइएगा। तो देखिए मैंने फाइन पीस लिया है, इस तरह से ये दरदरा है, तो अब इसे हम आटे में मिला लेंगे अपने भुजे हुए आटे में। अब ये अपनी जो सीड्स भी हमने भूज के रखी थी और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, उसको भी इसमें मिला देंगे, इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत छोटा है। और अब मैं ये गुड़ से बना रही हूँ, चीनी का यूज़ नहीं करूँगी, तो मैंने 400 ग्राम ही गुड़ लिया है और इसको मिक्सी में पीस लिया है, एकदम इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो रेडीमेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे इसमें डाल देंगे और अब देख लेते हैं कि इसकी बाइंडिंग हो रही है क्या नहीं। अगर नहीं होती है, कई बार डिपेंड करता है गुड़ के ऊपर, तो आप 3-4 स्पून घी इसमें और मिला लीजिए। तो अब इसमें मैं मिला रही हूँ ये 20 ग्राम सौंठ का पाउडर, इसे ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं, और 10 ग्राम 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर मिला दिया। इससे इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है लड्डू का और हेल्दी तो बनता ही है। अब हम जल्दी से सारे लड्डू बना लेते हैं। मम्मी जी ने ये लड्डू बनाने में मेरी हेल्प करी थी तो हमारे लड्डू बहुत ही जल्दी बन गए थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।